हेलो एवरीवन, अंदर की नमस्कार। वेलकम टू नॉर्थ ओपिनियन ऑन साउथ मूवीज। आज है 25 अगस्त और मेरा नाम है पीयूष गुप्ता। तो आज मैं लेके आया हूँ 3 रिव्यूज, जिसमें 2 ट्रेलर्स हैं और 1 मूवी है। आज रिलीज हुई है विजय देवरकोंडा की बॉलीवुड मूवी लाइगर। तो आज हम लोग लाइगर का रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग कोबरा जो कि एक तमिल मूवी है उसका ट्रेलर रिव्यू करेंगे, जो कि विक्रम सर का मूवी है। और थर्ड एक तेलुगु मूवी का ट्रेलर दी घोस्ट नागार्जुना सर का मूवी है, उसका ट्रेलर भी रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लाइगर मूवी को बॉलीवुड मूवी क्यों बोल रहा हूँ। वो तो एक तेलुगु मूवी है जो कि पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हुई है, लेकिन मैं तेलुगु मूवी को हिंदी मूवी और बॉलीवुड मूवी क्यों बोल रहा हूँ। हिंदी मूवी नहीं बोल रहा हूँ, बॉलीवुड मूवी बोल रहा हूँ। बॉलीवुड मूवी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह का मूवी है जो मैंने कल देखा वो मुझे यकीन नहीं हुआ। जिस तरह का वो मूवी है जो मैंने हिंदी में देखा अपने विलेज के नज़दीकी थिएटर में जाके जब मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये एक तेलुगु मूवी है। जिस तरह की मेकिंग है उस मूवी के, जिस तरह की कहानी है, मतलब न सिर है मूवी का, न पैर है, पूरा कंप्लीटली बेसलेस। ना अच्छा डायरेक्शन, ना अच्छी स्टोरी, ना अच्छी हीरोइन, मतलब मूवी में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है देखने लायक। लोग बॉयकॉट करने का बात कर रहे थे, मुझे लगता है बॉयकॉट करने का जरूरत ही नहीं है। 1-2 दिन में आराम से मूवी थिएटर से निकल जाएगी और मतलब कोई जाने वाला नहीं है देखने के लिए। जो बात है वो मैं क्लियर और फैक्टफुल बात है, जो मैंने महसूस किया वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसमें किसी को बुरा लगे कि विजय देवरकोंडा का मूवी को मैं गलत बोल रहा हूँ, बुरा बोल रहा हूँ, या मतलब फैंस, विजय देवरकोंडा के फैंस को बुरा लगे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो सच्चाई जो मैंने महसूस किया मैं वही बोल रहा हूँ। मूवी में मतलब कुछ भी देखने लायक नहीं है एक्सेप्ट विजय देवरकोंडा का एक्टिंग। विजय देवरकोंडा ने एक्टिंग थोड़ी बहुत अच्छी की है मूवी के लिए, मेहनत बहुत किया है उन्होंने। मतलब हकलाने का जो एक्टिंग था उनका, हकला के बोलने का एक्टिंग जो है उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और बॉडी अच्छी बनाई है उन्होंने, मेहनत किया है मूवी के लिए। लेकिन मूवी में कोई स्टोरी नहीं है। और अनन्या पांडे को क्यों लिया गया मूवी में, क्यों, मतलब क्या रोल था, क्यों रखा गया है, मुझे समझ में नहीं आया। माइक टायसन जैसे हॉलीवुड के कलाकार को भी लेके मतलब मूवी बनाई गई और फिर भी मतलब वही नील बट्टे सन्नाटा, कुछ नहीं है। ऐसा लगा जैसे मतलब बॉलीवुड का एक थर्ड क्लास मूवी होता है ना, जो मतलब पैसे ज़्यादा हैं और मतलब ऐसे ही बना दिया, जैसे चल रेगुलर बॉलीवुड मसाला मूवी होती है ना, बिना कोई कॉन्सेप्ट के, बिना कोई स्टोरी के, बस एक हीरो है, एक हीरोइन है और रोमांस हो रहा है, और मतलब विलेन है, फाइटिंग कर रहा है मूवी में, और विलेन हीरो से फाइटिंग कर रहा है और मतलब जीत गया हीरो, यही मतलब है। उसके अलावा और कुछ नहीं। बड़े बड़े कलाकार हैं, माइक टायसन आए हॉलीवुड से, 125 करोड़ बजट लगाया गया। पूरी जगन्नाथ सर का पर्सनली मैं भी मतलब पसंद है उनकी मूवी मुझे बहुत, फिर भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा। ये शायद इसलिए हुआ क्योंकि प्रोड्यूसर करण जौहर हैं इस मूवी के। करण जौहर को मतलब बॉलीवुड में अब काम नहीं मिला है तो बॉयकॉट कर रहे हैं लोग, तो अब साउथ के अच्छे एक्टर्स का भी कैरियर बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। पर्सनली मुझे विजय देवरकोंडा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मतलब उनका मेहनत और उनका मतलब जिस तरह का काम करते हैं वो मुझे कहीं नहीं देखा मूवी में। पर्सनली विजय देवरकोंडा ने क्यों इस मूवी को ओके कहा, क्यों इसके लिए इतने 3 साल लगा दिए, मुझे समझ में नहीं आया। जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है तेलुगु मूवीज़ का, खुद मैं तेलुगु जानता हूँ, हैदराबाद में मैं रहा, पढ़ाई किया इतने साल, 6-7 साल मैंने, मेरा तेलुगु का मूवी का एक्सपीरियंस और नॉलेज जो है, जो मैं जानता हूँ, वो मतलब ये कहता है कि एक लो बजट मूवी भी जो तेलुगु में रहती है उसमें भी कॉन्सेप्ट और मतलब एक्सपेरिमेंट और क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट और स्टोरी लॉजिक जरूर होती है मूवी में। कॉन्सेप्ट, स्टोरी, लॉजिक, ये सारी चीज़ें होती है लो बजट मूवी में भी। अगर वो एक्शन ड्रामा हो या रोमांटिक हो
या मतलब लव स्टोरी हो या जिस तरह का भी मूवी हो तेलुगु का, उसमें तीन चीज तो जरूर होती है, स्टोरी, लॉजिक और कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंट भी होती है समटाइम्स, समटाइम्स का एवरी टाइम ही होती है एक्सपेरिमेंटल, मतलब वहाँ पे ये किया जाता है मूवी में, मतलब कुछ ना कुछ नया देखने जैसा, मतलब थिएटर से निकलने के बाद कुछ ना कुछ अच्छा देखा, कुछ ना कुछ नया देखा, ऐसा जरूर रहता है। लेकिन इस मूवी में मैं सिर पकड़ लिया मूवी को देख के, क्यों मतलब ये मूवी इतना मतलब हाइप क्रिएट किए हुए था और क्यों इतना मतलब हल्ला मचाया हुआ था लोगों ने कि लाइगर मूवी आ रहा है, लाइगर मूवी आ रहा है। लेकिन मुझे मूवी देखने के बाद पर्सनली मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मतलब बहुत अच्छा मूवी है। विजय देवरकोंडा ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, एक्टिंग की है उन्होंने अपने तरफ से, मतलब एफर्ट लगाया है, मेहनत किया है। और उसके अलावा अनन्या पांडे को क्यों लिया गया मूवी में और क्या कर रही थी अनन्या पांडे मूवी में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अनन्या पांडे से बेटर तो मतलब कोई साउथ की ही हीरोइन ले लेती जो अपकमिंग न्यू है इंडस्ट्री में, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में न्यू है, या साउथ में क्यों कोई न्यू हीरोइन है, या कोई यूट्यूबर्स को ही उठा लेते तेलुगु से, गर्ल यूट्यूबर को ही उठा लेते पूरी जगन्नाथ सर, तो बेटर रहता मेरे अंदाज से। बहुत सारे हैं तेलुगु मतलब यूट्यूबर्स लेडीज गर्ल्स हैं जो मतलब अच्छा एक्टिंग करती हैं, अच्छा काम करती हैं, उनका वेब सीरीज वगैरह आते रहता है, मैं देखता हूँ। लेकिन अनन्या पांडे को क्यों लिया गया और क्यों मतलब ये हुआ, क्यों मतलब क्या कर रही थी अनन्या पांडे मूवी में, मुझे समझ में नहीं आया। शायद ये इसलिए भी था क्योंकि मूवी के प्रोड्यूसर करण जौहर थे, शायद करण जौहर ने शर्त रखा हो कि मैं प्रोड्यूस एक ही शर्त पे करूंगा कि बॉलीवुड हीरोइन आपको लेना होगा और अनन्या पांडे को कास्ट करना होगा वो लाइगर में, ये रीजन हो सकता है। इंड ऑफ द डे मैं यही कहूंगा कि मतलब मूवी अटर फ्लॉप, फिल्म कह सकते हैं, अटर फ्लॉप कह सकते हैं, देखने लायक कुछ नहीं है मूवी में मेरे अंदाज से। देखते हैं आगे विजय देवरकोंडा किस तरह का स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं। आज के मूवी रिव्यू में बस इतना ही। और सेकेंड है कोबरा, तमिल फिल्म इंडस्ट्री विक्रम सर का ट्रेलर लॉन्च हो गया है कोबरा मूवी का, जिसमें विक्रम सर लीड रोल में हैं और श्रीनिधि शेट्टी भी हैं एज ए लीड हीरोइन। मूवी में विक्रम सर जितना भी ट्रेलर में दिखाया गया है, मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब स्टोरी बहुत अच्छा है मूवी का। विक्रम सर ने एक मैथमेटिशियन का रोल किया हुआ है, ट्रेलर में दिखाया गया है कि विक्रम सर भेष बदल बदल के मतलब शायद मर्डर कर रहे हैं या ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि मतलब वो मर्डर कर रहे हैं, इस तरह का हैलुसिनेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है मूवी में। सो इमेजिन कर रहे हैं कि सच में वो मर्डर कर रहे हैं, कुछ ऐसा ट्रेलर में क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत सारा मतलब विक्रम सर ने बहुत सारा भेष बदला हुआ है, जासूसी से रिलेटेड मतलब समथिंग ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट मूवी का। ट्रेलर में दिखाया गया है कि श्रीनिधि शेट्टी वाइफ हैं विक्रम सर के, विक्रम सर एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक टीचर का रोल किया है उन्होंने, या जासूस कह सकते हैं, दुनिया के मतलब दुनिया में बहुत सारे जगहों पे जा रहे हैं और भेष बदल बदल के जासूसी कर रहे हैं, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। ओवरऑल ट्रेलर कहा जाए तो विक्रम सर की मूवी है तो मेथड एक्टिंग में मतलब विक्रम सर फेमस हैं पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में कह सकते हैं, और मेथड एक्टिंग का मतलब बहुत अच्छा नमूना सर ने विक्रम सर ने दिखाया है मूवी में, एक्टिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने एज ए मैथमेटिशियन कह सकते हैं या एज ए मतलब जासूस जो भी कह सकते हैं, उन्होंने बहुत मतलब उनका भेष बदल बदल के जो दिखाया गया है जासूसी करने का, ये वो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी कुछ मतलब देखने के लिए मूवी में बहुत कुछ होगा मेरे अंदाज से, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हो सकता है मूवी कुछ, कि एक मैथमेटिशियन है जो मतलब एक्चुअली मैथमेटिशियन दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बट वो एक्चुअली एक मतलब स्पाई है मूवी में, स्पाई का काम करता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है, या हो सकता है कि एक मर्डर मिस्ट्री हो जिसमें विक्रम सर हेलुसिनेशन या मतलब मल्टी कैरेक्टर डिसऑर्डर हो, इस तरह का ऑलरेडी मतलब उन्होंने मूवी किया है। हिंदी में उसका नाम अपरिचित है, तेलुगु में या तमिल में मेरे को नाम नहीं मालूम है उसका,
लेकिन हिंदी में उस मूवी का अपरिचित नाम है। उन्होंने उसमें मल्टी कैरेक्टर डिसऑर्डर का मतलब रिप्रेजेंट किया था। वो मूवी काफ़ी मतलब फेमस है, यूट्यूब पे मिल जाएगा आप लोग को, काफ़ी अच्छी मूवी है वो। उसी तरह की कॉन्सेप्ट का मूवी है ये, कुछ क्लियर नहीं है। तो दो तीन तरह का कहानी मतलब क्रिएट होता है मूवी में, या तो मल्टी कैरेक्टर डिसऑर्डर है, या सच में वो स्पाई हैं, या एक मैथमेटिशियन है जिससे इंटेलिजेंस वालों ने जबरदस्ती मतलब उठा लिया, गलती से उठा लिया है, क्या रियलिटी है मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, विक्रम सर ने बहुत मेहनत किया है, काम अच्छा मतलब लग रहा है मुझे कि बहुत अच्छी मूवी होगी। मेरे अंदाज से काफ़ी अच्छा ट्रेलर है मूवी का। और श्रीनिधि शेट्टी का कुछ खास मतलब उतना दिखाया नहीं है, लेकिन ओवरऑल ब्यूटीफुल लग रही हैं श्रीनिधि शेट्टी, अच्छी मतलब लग रही हैं मूवी में। शायद मूवी में अच्छा मतलब दिखाए, उनके बारे में डिटेल में दिखाए। और नेक्स्ट ट्रेलर है तेलुगु मूवी दी घोस्ट का, इसके लीड रोल में नागार्जुना सर हैं। और ये भी एक मतलब स्पाई रिलेटेड मूवी कर सकते हैं, एक्शन ड्रामा कर सकते हैं मूवी को, क्योंकि इस मूवी में नागार्जुना सर शायद मतलब इंटेलिजेंस के मतलब आदमी हैं। उनका नाम मूवी में विक्रम है, जो कि मतलब शायद एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं, जिन्हें एक मदर और डॉटर को प्रोटेक्ट करने का मतलब टास्क दिया गया है। और कुछ ऐसा मतलब मूवी में है जो मतलब मदर और डॉटर के पीछे पूरी मतलब गैंगस्टर पड़े हुए हैं, मर्डरर पड़े हुए हैं, और किडनैपर्स भी पड़े हुए हैं उनके उन दोनों के पीछे, और उन्हीं दोनों को प्रोटेक्ट करना है और उन्हें बचाना है। और मतलब इस प्रोसेस में नागार्जुना सर गैंगस्टर से, मर्डरर से, और मतलब किडनैपर से भी मतलब टकराएंगे। ट्रेलर में अच्छा एक्शन सीन दिखाया गया है, नागार्जुना सर मतलब जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं ट्रेलर में एटलीस्ट, कि हाँ मतलब इंटेलिजेंस एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर मतलब जैसे होते हैं, स्पाई जैसे होते हैं, उस तरह का मतलब कॉन्सेप्ट मूवी का रेगुलर ही है। लेकिन पिक्चराइजेशन मुझे अच्छा लगा, एक्शन मूवी का अच्छा लगा, शायद कुछ खास स्टोरी भी हो। अभी स्टोरी रिवील नहीं किया गया ट्रेलर में, कुछ खास ही होगा मेरे अंदाज से। स्पाई एक्शन ड्रामा मूवी है, ओवरऑल मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कैसा है मूवी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।